So dear, yesterday I told you from your book Hornbill, and where I left here. खुशवंत सिंह बताते हैं कि ये आधा घंटा दादी के लिए दिन का सबसे खुशनुमा टाइम होता था. कौन सा आधा घंटा? जिसमें वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी सिटी के घर में भी आकर. फिर आगे देखते हैं. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. कहते हैं कि जब मैंने अब्रॉड जाने का फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे की पढ़ाई के लिए जब अब्रॉड यानी आउट ऑफ कंट्री विदेश जाने का डिसाइड किया तो मुझे पता था कि मेरी दादी अपसेट होगी क्योंकि 5 साल तक उनसे अलग रहने वाले थे लेखक कह रहे हैं और उनकी एज का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था. एंड हर एज वन कुड नेवर टेल. कोई उनकी उम्र नहीं बता सकता था कि अब उनकी उम्र कितनी बची है. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन वह जानती थी, वह बता सकती थी अपनी, उसको पता था. सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. लेकिन वह परेशान नहीं हुई और सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल, वह बिल्कुल भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हुई और वह मुझे छोड़ने स्टेशन तक भी गई और रास्ते में उसने कोई किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिखाया और ना ही कोई बात की. डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. उनके होठ लगातार प्रार्थना में हिल रहे थे, उनका मन प्रार्थनाओं में डूबा हुआ था, लॉस्ट था प्रार्थना में, लॉस्ट इन प्रेयर, और उनकी उंगलियां लगातार उस रुद्राक्ष की माला को जपने में बिजी थी. साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस. चुपचाप साइलेंटली जब खुशवंत सिंह वहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट से तो दादी उनके फोरहेड पर उनको एक किस देती है तो वो उस किस को एक फ्यूचर के लिए एक साइन, उनके बीच का जो फिजिकल कॉन्टैक्ट था लास्ट था, एज ए लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट उनको उसको रखना चाहते थे हमेशा उस निशान को. बट दैट वॉज नॉट सो. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन. अभी तक वो सोच रहे थे कि शायद ये उनकी आखिरी, जो मेरे माथे पर जो किस किए हैं वो आखिरी हो, वो शायद मुझे ना मिले. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब वो 5 साल के बाद वापस लौटे घर पे तो वॉज मेड बाई हर एट द स्टेशन. और फिर वे उन्हें स्टेशन पर ही मिले, दादी स्टेशन पर ही पहुंची उन्हें लेने. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. एंड व्हाइल सी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. उन्होंने कुछ नहीं कहा. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वे एक भी दिन बूढ़ी नहीं दिखाई दी. और स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. और उनके पास अभी समय नहीं था बात करने का. वो वैसी की वैसी ही थी, एक भी दिन और बूढ़ी नहीं दिखी और उनके पास अभी बात करने का कोई समय नहीं था. और उन्होंने एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर. जब उन्होंने खुशवंत सिंह को गले से लगाया दादी ने तो वह उनकी प्रेयर साफ सुन सकते थे. जब भी प्रेयर ही करती रही, कुछ नहीं बोली. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज होम सी फेयर लॉन्गर एंड विद फ्री वलस रिब्यूक्स. इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी उन्होंने दादी को देखा अपने आने के पहले दिन भी, कि वह वो जो हैप्पीस्ट मोमेंट की बात की थी वो 10 मिनट जब वो चिड़ियाओं को फीड कराती थी वो अभी उस दिन भी उन्हें देखने को मिला. स्पैरोज को वो खाना खिलाती और फ्रीवलस रिब्यूक्स. फ्रीवलस का मतलब है रिलक्टेंटली यानी झूठा बहाना करते हुए ना चाहते हुए उनको डांटती थी. रिब्यूक्स यानी फटकार.
उनको झूठी फटकार लगाती थी चिड़ियाओं को जब चिड़ियाएं उनके कभी सर पर बैठती थी कभी कंधे पर, लेकिन बेमन से उनको भगाती थी, सच में नहीं डांटती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर सी डिड नॉट प्रे सी कलेक्टेड द वीमन सी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। लेकिन उसी दिन शाम को दादी में एक बदलाव आता है, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना छोड़ दी और पड़ोस की कुछ औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ड्रम लिया, एक ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। सैगिंग मतलब होता है ढीली, लूज। सैगिंग स्किन्स यानी उस डिलैपिडेटेड मीन्स होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। उस टूटे हुए ढोलक या ड्रम की ढीली सी स्किन उन्होंने कई घंटों तक पीटी, यानी कई घंटों तक उन्होंने वो ढोलक बजाई। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वे गीत गाए जो योद्धाओं के घर पर आने तक गाए जाते हैं। After that, we had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not fail. तो कहाँ थे? हाँ, उन्हें उसे रोकना था, दादी को रोकना था, लेकिन दादी रुक नहीं रही थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यह पहला टाइम था जब राइटर ने दादी को प्रार्थना छोड़ते हुए देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। अगले दिन सुबह दादी बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, हल्का सा बुखार था और डॉक्टर कहते हैं कि इट वुड गो या चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, दादी अलग तरीके से सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉर हर एंड वॉज नियर, कि उसका जो अंत है वो नज़दीक था। सी सैड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर सी क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। दादी को पता था कि उनका अंत अब नज़दीक है, उन्होंने कुछ घंटों पहले ही, वो जानती थी कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही प्रार्थना छोड़ी है और उनका समय, जिंदगी का उनका जो लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, और वो किसी से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, खुद का अपना सारा टाइम पूजा प्रार्थना में ही लगाना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड। उन्होंने उसे रोका, प्रोटेस्ट किया, दादी का विरोध किया कि दादी रेस्ट कर लीजिए, बीमार हैं, लेकिन दादी नहीं मानी, दादी ने सबको इग्नोर कर दिया और शांति से प्रार्थना करते हुए अपने हाथों की जो माला थी उस पर प्रार्थना करते हुए आराम से शांति से एक बेड पर लेट गई। इसके पहले उन्हें कुछ संदेह होता, दादी के होठ रुक गए प्रार्थना करने से और वह रुद्राक्ष की माला उनके हाथों से नीचे, उनकी निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर गई। एक पीलापन, एक शांतिमय पीलापन, ए पीसफुल पैलर उनके चेहरे पर फैल गया और हमें पता लग गया कि दादी अब नो मोर, दादी नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेस्ट शराउड। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल।
हमने दादी को उठाया बिस्तर से, जैसा कि कस्टमरी होती है, जैसा रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और उनको जमीन पर लेटाया और उनको लाल कफन से ढक दिया, रेड श्राउड, श्राउड मीन्स कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग को जरा ध्यान से देखेंगे, ये सुबह वाली मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग, एम ओ यू आर, मॉर्निंग, ये विलाप, रोना, वीपिंग, कोई मर जाता है या किसी का कोई कुछ बुरा होता है तो मॉर्निंग करते हैं, विलाप। सो आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर लोन टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल, फ्यूनरल कहते हैं चिता को जब लाश को जलाते हैं, दाह संस्कार। तो कुछ घंटों के विलाप के बाद हमने दादी को उनके कमरे में अकेला छोड़ा दूसरे अरेंजमेंट करने के लिए, यानी उनको उनको जलाने के अरेंजमेंट करने के लिए हमने उनको कमरे में अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेट का मतलब भी वही होता है जलाना। तो शाम के समय हम दादी के कमरे में एक अर्थी लेकर पहुँचे उनको जलाने के लिए, ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सूर्य छिप रहा था और उनके पूरे कमरे में एक सुनहरी कलर की लाइट छोड़ रहा था, सूर्य से लाइट हो रही थी, ब्लेज रोशनी, ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते तक रुके, क्यों रुके वो बताते हैं। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड सी रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड सुपर स्पैरोज सेट स्केटेड ऑन द फ्लोर। वे इसलिए रुके कि पूरे उनके बरामदे में, ऑल ओवर द वरांडा, उनके पूरे बरामदे में और उस कमरे में जहां दादी को लिटाया हुआ था और लपेट रखा था लाल कफन में, कि हजारों चिड़ियाएं, हजारों की सैकड़ों में स्पैरोज उनके आसपास बैठी और फर्श पर बिखरी हुई थी, उनके डेड बॉडी के पास चिड़ियाएं। देर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल भी चहचहाट नहीं थी, बिल्कुल शांत बैठी हुई थी चिड़ियाएं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, हमने चिड़ियाओं के लिए अफसोस किया, वी फेल्ट सॉरी फॉर देम, अफसोस किया, और मेरी माता जी फेच मिस ब्रिंक, जाकर लाना, उनके लिए कुछ रोटियां लेकर आई। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, मेरी माँ ने उनके लिए उस उन रोटियों को छोटे छोटे क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, जिस तरह मेरी दादी तोड़ा करती थी, और उन्हें थ्रू किया, चिड़ियाओं के सामने फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, अर्थी पूरी। तो जब हम अपनी दादी की अर्थी को ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप वहाँ से उड़ गई बिना कुछ खाए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले दिन सुबह स्वीपर ने उन रोटी के टुकड़ों को साफ किया और उनको डस्टबिन में डाल दिया। सो डियर्स, दैट वाज द स्टोरी, इसकी आपको भी प्रैक्टिस करनी है और इसमें से खुद क्वेश्चन बनाकर उनका आंसर देने की ट्राई करेंगे इंग्लिश में ही, और कल मैं इसकी क्वेश्चन आंसर या आज ही सेंड कर दूंगा। और कल के लिए इसके बाद एक पोएम है, द फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ सॉरी, वो अच्छे से पढ़ कर आएंगे, कल उसको पढ़ाएंगे। सो थैंक यू।